कितने का है एलिफेंट का जोड़ा? 150 ये कितने का है? ये 850 पड़ेगा। इस पे पेंट नहीं है? ना ना, ये बिल्कुल पेंट नहीं, दिखते ना। तो ऐसा ही बैग है, ऐसा ही होगा। तो अभी मैं हूँ पुरी में और आज फोर्थ डे है, लास्ट डे है मेरा पुरी में और कल वापस जा रही हूँ मैं लखनऊ। तो उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मार्केट, क्योंकि लास्ट डे हमने रखा था शॉपिंग के लिए, मार्केट के लिए। और उसके पहले हम सभी जगह घूम आए, मेन प्रायोरिटी तो पुरी में भगवान के दर्शन है। हम घूमने नहीं आए हैं, यहाँ दर्शन करने आए हैं। तो सुबह शाम पहले तो दर्शन, उसके बाद आज हमने कहीं भी बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं रखा था। दर्शन किए, उसके बाद हम बीच पे चले गए थे, बीच से आने के बाद लंच किया, फ्रेश हुए और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो आपको दिखाती हूँ उड़ीसा में, अगर पुरी में आप आते हैं या भुवनेश्वर आप आते हैं तो क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए कि पुरी का मार्केट क्या है और क्या क्या मिलता है यहाँ पे खास। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और बाद में मैं आपको अपना शॉपिंग हॉल भी दिखाऊंगी। शॉपिंग नहीं करनी है तो क्या हुआ, मार्केट घूमने को तो जा ही सकते हैं। तो मार्केट ज़रूर घूम के आइएगा, जगन्नाथपुरी का बहुत ही स्पेशल है, हर चीज़ अलग है, एकदम डिफरेंट है। बीच के पास जैसे सीशेल से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, शंख मिलते हैं, कॉयर क्राफ्ट मिलता है और जगन्नाथ जी की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बहुत सारी मूर्तियाँ, तो इसको मिस नहीं करना है। शंख में ओरिजिनल मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी वहाँ जाके पता चला किसी ने बोला कि नहीं आप महंगा लेके आए, गलत लेके आए। तो सर कुछ नहीं खरीद करोगे आप? ये सब शोपीस है, दक्षिणामुखी मिरर देख रही हूँ। ये दक्षिणामुखी कौन सा होता है, ये इसमें क्या है खासियत, क्या होती है इसको जल चढ़ाने के लिए? ये कितने का आता है? छोटा साइज वाला ही, देखो भगवान को जल चढ़ाने को। ये जो है ना प्योर लाइट पास है, है। इसमें से लाइट पास हो रही है, लाइट पास हो रहा है कि नहीं? तो शंख खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं तो 2-3 शॉप जरूर चेकआउट करिए और उसके बाद ही शॉपिंग करिए। तो शॉपिंग में यहाँ बहुत मज़ा आता है और मुझे तो ये शेल्स वाले मिरर बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास एक था, मैं चेन्नई से लाई थी, लेकिन अभी ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि शीशे का कुछ भी रहता है तो रिस्की होता है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये पूरा मार्केट आप घूमिए, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए देखिए और क्या क्या दिखाती हूँ मैं आपको, इन्जॉय करिए। और ये कितने कितने का? 90। ये वाला 120 बोल रहे हैं, 100 का दो। ये कौन सा है? ये जल चढ़ाने का गेंदा है, ये भी जल चढ़ाने। और ये छोटा छोटा क्या है? वो भगवान का हाथ है, पोलांग है। पोलांग किस चीज से बना है? पोलांग। पोलांग क्या? पोलांग एक पेड़ का फल होता है। पेड़ का फल है ये? हाँ। इसको सुखा के खाते हैं। तो ये कोकोनट से और पोलांग से बनी हुई चीज़ें हैं और बहुत ही खूबसूरत। ये आइडल्स तो बहुत अच्छे लगते हैं जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी। और इतनी वैरायटी आपको मिलती है ना, बहुत ही, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। ये छोटा सा जो पीस है ये 150 का है, ये ब्राइट गोल्डन गोल्डन जो है ये 70 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 50 रुपीज़ से छोटा लेंगे तो 50 का है, बड़ा है तो 70 का है। इसमें फ्रिज मैगनेट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप प्रसाद में देने के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे भगवान की भी अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, जिस तरह की लेना चाहें। और रोड पे देखिए इस तरह की चादरें भी बिक रही थी जो कि वहाँ का लोकल हैंडलूम है ये भी। तो कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की चीज़ ज़रूर लीजिए और ये पूरा मार्केट बहुत सुंदर लगता है। और भगवान के मंदिर के एकदम पास है तो जाकर ही एकदम अलग अलग ही अनुभूति होती है। और ये देखिए छोटे छोटे फ्रिज मैगनेट्स थे और इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं थी, भगवान की मूर्तियाँ थी, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और शॉपिंग तो कुछ ना कुछ तो भगवान के यहाँ आए हैं तो लेना बनता ही है, और लोगों के लिए प्रसाद में भी ज़रूर लेते हैं।
तो हर तरीके की चीज़ें हैं, हर रेंज की है, 10 रुपए का फ्रिज मैग्नेट से लेके आप जितना भी ऊपर जाना चाहें, तो कोई ना कोई चीज़ तो शॉपिंग हो ही जाती है छोटी मोटी। मेरा पर्सनल फेवरेट था यहाँ पे जो सीशेल्स के क्राफ्ट थे, सीशेल्स की चीज़ें थी वो। अदरवाइज़ यहाँ पे जैसे मंदिर या यात्रा पे हम कहीं जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो वहाँ पे जो नॉर्मल पूजा की चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। साथ में ये जो बास्केट है, इस तरह से ये वाली बास्केट भी यहाँ का क्राफ्ट है, केन बास्केट, ये भी यहाँ पर मिलती हैं, तो ये भी ले सकते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी। और ये पूरा मार्केट मंदिर के पास है, सुबह सुबह नहीं खुला होता है सारा मार्केट, लेकिन शाम को पूरा खुला रहता है और रौनक रहती है। ये बड़ा वाला शंख क्या बोलते हैं, ये रखा है, इसको क्या बोलते हैं, गोमती, गोमती शंख, क्या क्या नाम है उसका, बोल रहा है शेल्स की बहुत वैरायटी है, आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्वेरियम है या फिर आप सजाते हैं या आप क्राफ्टी हैं, तो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत ख़रीदा है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और ये मतलब एक अलग से चार्म होता है। और ये वाली बेडशीट्स मैंने दिखाई थी आपको, जो एक वीडियो दिखाया मैंने, हैंडलूम्स ऑफ ओडिशा, जिसमें कि आपका विचित्रपुरी आता है और इकत प्रिंट, ये वाली जो है संबलपुरी, ये वाली चादरें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मार्केट में मिल जाएंगी, और अगल बगल दोनों साइड में शॉप्स हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, जहाँ पर आप जाके फिलीगिरी की भी चेकिंग कर सकते हैं। फिलीगिरी का मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिएगा। और उड़ीसा का अगर प्लान करना है कभी भी पुरी आने का, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर किया करिए। मेरे पास ज़्यादातर जो है, अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ तो ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, घूमने की जगहों के ब्लॉग्स हैं, सिंगापुर ब्लॉग्स हैं, या फिर लखनऊ ब्लॉग्स हैं। लखनऊ के थोड़े कम हैं, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से तो लॉकडाउन ही चल रहा है। तो मेरे सारे वीडियोस चेकआउट करना मत भूलिएगा। और देखिए क्वायर क्राफ्ट भी कितना खूबसूरत है। मुझे पर्सनली हैंडीक्राफ्ट बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जिस भी जगह पे जाऊँ वहाँ की छोटी से छोटी कोई भी एक चीज़ ज़रूर लेके आऊँ। तो आई होप कि ये आपको मेरा मार्केट टूर वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बगल की घंटी दबाइएगा, ऑल का ऑप्शन चूज़ करिएगा, लाइक करिएगा, और कॉमेंट करना भी ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे सारे वीडियोज़ चेकआउट करिएगा, पूरी के जितने भी वीडियोज़ हैं चेकआउट करिएगा, और अगर कोई सिंगापुर जा रहा है, सिंगापुर की प्लानिंग है, तो उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।